नमस्ते। मेरे परिवार के लोगों ने जिस तरह खुद ही एक दूसरे के साथ धोखेबाजी की है, उससे तो मुझे इतना पता चल ही गया है कि ये कुर्सी का लालच अगर एक बार किसी के जहन में बैठ गया तो उससे कम से कम राजनीति तो नहीं होता। तुम क्या मुझे हटाने आए हो यहाँ से? कहानी सुनाने, एक राजा की कहानी। प्रोतिम बैनर्जी वापस लौट आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, इतने दिनों तक तुम्हें हर किसी ने सच कहा? 25 साल पहले आप जैसे आम आदमियों के सारे पैसे लूटकर ये भाग गया था, उसका जवाब चाहिए या नहीं? अभी बैनर्जी फैमिली में जो आग लगी है उससे तुम बिना गोलकीपर के पेनल्टी से गोल कर सकते हो। जिस खेल को खेलते खेलते मैं थक गया था मल्लिका, उस खेल के लिए तुम उतावली हो रही हो। आप आस्तीन में सांप पालकर दूसरों को गद्दार बोल रही हैं। मैं चाहती हूँ रिजपुर के लोग प्रतिम बैनर्जी से नफरत करें। रिजपुर के लोगों को पता है कि उनके अपने कौन हैं। मरेंगे सब लोग, मरेंगे। राशि को प्रतिम के खिलाफ खड़ा कर दीजिए। ताकत के लालच से तुम भी नहीं बच पाई। ये राजनीति है, यहाँ एक ही सत्य है, सिंहासन।